आने वाले समय में इसका हजार गुना सम्मान आप सभी लोगों के जीवन में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं अपने आइडियल, अपने आदर्श, अपने मेंटर माननीय श्रीमान माधव सर जी का और विजयपाल सर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर ने इतना बेशकीमती समय दिया अपने बिजनेस शेड्यूल में से निकाल कर, मैं नहीं समझता सर ने हम लोगों को चार दिन का ये वक्त दिया, चार दिन का वक्त दिया। और इतना ही नहीं, सर ने सिर्फ दो महीने के अंदर ये दूसरी बार बिहार की धरती पे आए हैं और उस समय 3 दिन रहकर गए हैं, यानी ये 7 दिन का जो समय है ना, हम बिहार वासियों पे कर्ज है इस बात का कि आपने जो 7 दिन का समय जिस उम्मीद के लिए दिया है, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ दिया है, 1000% उसका खड़ा करके हम सभी लोग दिखाएंगे, खड़ा होकर हम सभी लोग दिखाएंगे। जो विश्वास जताया है आपने, जो विश्वास हम सभी लोगों पर आपने दिखाया है, एक एक शख्स जो यहां पर है अपना 100% देके दिखाएगा, अपना 100% देके दिखाएगा। ये हम भरोसा दिलाते हैं सर को, विश्वास दिलाते हैं सर को, हर व्यक्ति यहां 100% देके दिखाएगा। सर ने क्या नहीं बताया, एक एक बात को, चाहे जो आज ज्वाइन किया है उनके लिए, चाहे जो क्राउन एम्बेसडर बना हुआ है उनके लिए भी भर भर के बताया। कहीं से भी कोई किसी भी बात को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में इतिहास लिख सकता है, इनमें से किसी भी बात को उतार कर। सबसे अच्छी और बड़ी बात तो सर की लगी, 20 साल तक गुरु ढूंढते रहे, ऐसी गलती मत करें। आपके बराबर नहीं बैठा है गुरु, झटपट मान लेना, 20 साल अपना समय बर्बाद नहीं करना। और सबसे ज्यादा तरस तो मुझे उस गधे पे आ रहा है, छह साल तक समुद्र में घूम रहा है लेकिन कोई किनारे लगाने वाला नहीं है, मत कर। एक तो यह है, हमें मौका मिला है, उनको देखकर हम सीख लें या फिर हम प्रैक्टिकल करके सीखें, दो रास्ते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग को पता नहीं क्या है, प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव करते हैं, इधर मत करना, इधर मान लेना, बस मान लेना। कहीं से भी नहीं छोड़ा सर ने, एक एक बात को बखूबी बढ़िया से बताया। सर के झोली में जितना भी है ना, सब बिहार को देकर जा रहे हैं, सब बिहार को देकर जा रहे हैं। और सर को मैं सारे लोगों के बिहाव पर और अपने फ्रंट लाइन में हमारे जितने डायमंड्स क्लब हैं इनके बिहाव पे मैं सर को एक वादा करता हूं कि सर जो आपने 2 दिन में जो 11,000 लोग, ये 12,000 लोग जो यहां बैठे हैं, ये 12,000 लोग एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं,
और जिस दिन आप इस धरती पर बिहार की धरती पर कदम रखा है उसी दिन ठोक ठोक के बता दिया गया है और सब लोग एक ही मिशन के लिए काम करेंगे। डायमंड बनने से पहले मिशन 2 लाख, मिशन 2 लाख। और हम सब वादा करते हैं इन सभी के बिहाफ पर कि आज के बाद हर डायमंड, हर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, पीनस, मर्करी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, जितने भी एमराल्ड, रूबी, ओपल, जितने भी लीडर हैं, हर व्यक्ति इसी उम्मीद के लिए, इसी विश्वास के लिए काम करेगा कि जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में डायमंड बनेगा, डायमंड बनने से पहले 2 लाख प्लस की कैपिंग होगी हर बीप के। और ये मिशन के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आधी रात अगर जगना पड़े, सोना पड़े, जो करना पड़े, आधी रात भी सोना पड़े ना नहीं सोना पड़े चलेगा, पूरी रात भी अगर नहीं सोना पड़े चलेगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं सर। ये जो 12,000 लोग है ना, 12,000 लोग आपको आने वाले ये 2023 का जो साल है ना, बिहार के लिए ये गोल्डन साल है, ये गोल्डन साल है, 2023 इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखा जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्यों? कि आज मेरे 100+ डायमंड हैं, 100+ डायमंड हैं, और उनमें सबसे खुशी की बात है कि उनमें से 70 डायमंड बिहार से हैं, बिहार से है 70 डायमंड। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का ऐसा अब तक का रिकॉर्ड नहीं है सर, जैसा बताते हैं बिहार एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां सेफ शॉप के 70 डायमंड है, 70 डायमंड है, 70 डायमंड है। और ये जो है ना 70 डायमंड का ये अभियान है कि ना तो चैन से सोएंगे, ना चैन से सोने देंगे, चैन से सोने देंगे। हमने इस बिहार में इतनी बड़ी उम्मीद के लिए नहीं आया था, बस सिर्फ इसीलिए आया था कि अगर बिहार से 10 लोगों को भी चुन के उनके बाल बच्चों से दूर परदेश कमाने जो जाते थे ना, अगर हमने यही सोचा था कि अगर मैं 10 लोगों को भी बिहार के, बिहार में उनके परिवार के साथ रोक सका और इन्हीं यही संदेश अगर उनको भी आगे फॉरवर्ड करने दे दिया, तो हमने बोला था कि पूरा हिंदुस्तान ने भारत को सोने की चिड़िया बोला है, लेकिन हमने बताया था कि आने वाले समय में लोग बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को बोलेंगे। और ये हम सबको वादा करते हैं आप सभी लोगों के बिहाफ पे, सर बिहार का नाम जैसे हर क्षेत्र में आपने बोला है, स्वर्ण में अक्षरों से लिखा जा रहा है, ऐसे ही सेब सोप में हम आपको यकीन दिलाते हैं सर कि बिहार के लोग जिनका कोई मुकाबला नहीं होगा वो काम करके दिखाएंगे, वो इतिहास लिख के दिखाएंगे। जहां लोग सोचने पे मजबूर हो, अगर उदाहरण देना पड़े तो लोग बिहार के नाम से उदाहरण सुना करें। और हम भरोसा दिलाते हैं सर, आज ये हमारे मेंटर, आज जीवन में मैं जहां पर भी हूं, जिस जगह पर भी आज हूं, आज जो मेरे जीवन में खुशियां है, आज जो खुशियां है
हमारे दोनों मेंटर्स के वजह से मैं और पूरा मेरा पूरा परिवार अपने मेंटर का जीवन पर्यंत ऋणी रहेगा, जीवन पर्यंत ऋणी रहेगा। और मुझे मालूम है कि सर जो है ना, सर का साथ जीवन भर रहेगा, आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और हमने अब हमारा मिशन भी यही है। हमने कभी अभी ये नहीं सोचा, हमें ये देखना है। मैंने एक ही चीज सीखा है इस बिजनेस में, उम्र से कोई भी बूढ़ा नहीं होता, उम्र से कोई भी बूढ़ा नहीं होता। नहीं तो देखने में तो 25 साल के भी बूढ़े नजर आते हैं। उम्र में कोई भी उम्र से बूढ़ा नहीं होता। अगर बूढ़ा उम्र से होता तो आज सदी के महानायक 80 साल के उम्र में भी जवानों को चैलेंज करते हैं, जवानों पे भाष पड़ते हैं। आज आपके सामने 60 साल का व्यक्ति नौजवान बात कर रहा है और रगों में उतने ही जोश और उतने ही जुनून और उतने ही पागलपन है सेफ शॉप के लिए। और आज सेफ शॉप में ठान के मैं बैठा है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, जाना कहां। जीना मरना मेरा यही है, ईमान धर्म भगवान पूजा सब मेरा यही है। सेफ शॉप भी सोना जागना खाना पीना उठना बैठना everyone is safe soft हर चीज। और मैंने अब मिशन भी बना लिया है, जैसा सर ने बताया है। मिशन बाहर की दुनिया में बोलते हैं, बाहर की दुनिया में बोलते हैं 60 साल की उम्र हो गई, अब आप रिटायर हो गए हैं, 60 साल की उम्र हो गई, शादी ब्याह बच्चों का हो गया, बोला आप चलते हैं गंगा नहाएंगे। हमने भी सोचा 60 साल के उम्र में क्या करेंगे, तीर्थ करने जाएंगे। लोग कहते हैं बच्चों की शादी कर दी आप तीर्थ करेंगे, और तीर्थ करने चले जाते कहां, काशी बनारस प्रयाग हरिद्वार ऋषिकेश। हमको भी लगा कि 60 साल के करीब हम भी हैं, हम कहां जाएंगे तीर्थ करने। मैंने अपना अभियान बनाया हुआ है, मिशन तीर्थ यात्रा, मिशन तीर्थ यात्रा। और हमने पति पत्नी दोनों ने मिलकर कसम खाया है कि जीवन के आखिरी दम तक जब तक मेरे पैर चलेंगे कहीं ना कहीं मैं सेफ शॉप के ही मीटिंग में आपको मिलूंगा, सेफ शॉप के ही मीटिंग में मिलूंगा मैं आपको, सेफ शॉप के ही मीटिंग में मिलूंगा। क्योंकि सर ने तो बता ही दिया, मेरा मिशन भी वही है। बाहर में, बाहर की दुनिया में जब लोग इस दुनिया से जाते हैं ना, 10 लोग नहीं शामिल होते हैं उनके जनाजे में, लेकिन हमने अपना मिशन बना रखा है कि अगर मेरे वजह से किसी के घर में खुशियां आती है, मेरे किसी प्रयास के वजह से उनके घर में खुशियां आती है, तो उनके आंसुओं पे मेरा हक होगा, मेरा हक होगा, उनके आंसुओं पे हक होगा, मेरा उनके आंसुओं पे हक होगा। और एक जनाजा ऐसा भी होता है जहां पर शमशान घाट को छोड़ो पूरे शहर में जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। दोनों जनाजा ही कहलाता है, लेकिन फर्क दोनों जनाजे में होता है, दोनों जनाजे में होता है। मेरा मिशन भी अब वही है। और यकीन माने, आप लोगों का जो पैसेंस देख पा रहा हूं ना, आज वर्किंग डे है, संडे नहीं है, लेकिन आज आप सभी लोग जिस पैसेंस के साथ यहां पर बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं।
मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ एक ही बात सीखा है, जीवन में आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपना मान हमेशा शून्य के बराबर रखना। भले ही हो सके कोई आपको गिनती में ना ले, लेकिन जिसके बराबर में आप खड़े हो जाएंगे ना, उसका 10 गुना मान बढ़ा देंगे, 10 गुना मान बढ़ा देंगे। और अपनी बातों को आखिर में एक ही बात कहकर विराम दूंगा। एक बार 3 मित्र हुआ करते थे, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक का नाम दौलत और दूसरे का नाम ज्ञान और तीसरे का नाम विश्वास। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक समय जब इनका बिछड़ने का समय आया तो दौलत से पूछा गया कि दोस्त, आज हम बिछड़ रहे हैं, हम लोग जीवन में कभी मिलने का मौका मिले तो मैं कहां मिलूंगा। दौलत ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन जब ज्ञान से पूछा गया कि दोस्त, आज हम लोग बिछड़ रहे हैं, कल को कभी मिलने का मौका मिले तो हम कहां मिलेंगे, दौलत ने बोला, मैं विद्यालय में मिलूंगा, मैं मंदिर में मिलूंगा। लेकिन विश्वास गुमसुम एक कोने में बैठा हुआ था। दोनों ने जाकर उससे पूछा कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज हम लोग बिछड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपसे जीवन में मिलने का मौका मिले तो मैं आपसे कहां मिल सकता हूं। विश्वास ने बहुत गहरी सी सांस लेकर बोला कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अगर मैं एक बार बिछड़ गया ना तो जीवन में फिर कभी नहीं मिलता हूं, कभी नहीं मिलता हूं। तो मेरे दोस्त, अपने टीम पर, अपनी ग्रो लाइन पर, अपने अपलाइन पर विश्वास रखिए, अपने परिवार पर विश्वास रखिए। अगर अपलाइन का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए ना, तो एक दिन आप अपने अपलाइन के दिलों पर राज करेंगे, दिलों पर राज करेंगे, दिलों पर राज करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को देखकर। पता नहीं, बिहार में आता हूं तो मेरा आंगन फड़कता है, पता नहीं ये मिट्टी का असर है या किसका असर है। और मिट्टी एक दूसरे को देखकर पहचानता है। और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जिस उम्मीद के साथ मैंने बिहार में कदम रखा था ना, उसका 1000 गुना आपने ज्यादा दिया है, 1000 गुना ज्यादा दिया है आप सभी लोगों ने। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।